हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी का सामाजिक विज्ञान पार्ट दो आदि मानव, आज अपन आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे कि आदि मानव कैसे थे, वो क्या करते थे और किस तरह से रहते थे, इस बारे में अपन जानेंगे। आदि मानव का जो पार्ट है उसको आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको पहले अपनी किताब खोलो और उस पाठ को एक या दो बार पढ़ लेना, क्योंकि हम लोग तो इतना पूरा पाठ पढ़कर आपको बता नहीं पाएंगे। इसमें कि कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वही हम आपको बता पाएंगे। तो बच्चों, आज हम फिर आदि मानव के बारे में जानेंगे। तो आदि मानव पहले क्या करते थे, गुफाओं में और जंगलों में रहते थे। जंगलों में रहते थे और उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी और इसलिए वो क्या करते थे, गुफा में ही अपना रहने का स्थान बना लेते थे और वो एक साथ झुंड में रहते थे। एक साथ क्या करते थे, झुंड में रहते थे। आदि मानव पहले उनको खाना क्या खाते थे, वो लोग कंदमूल और फल फूड मांस ये सारे चीजें खाते थे, क्योंकि जंगलों में अनाज तो मिलता नहीं है, इसलिए वो लोग सिर्फ कंदमूल और फल और मांस खाकर ही अपना जीवन यापन करते थे। और उनको पहनने के लिए वो क्या करते थे, पेड़ों की पत्ते और जो पत्तों की जो छाले निकलती है, छाल निकलती है, और जो जानवर है जानवर की जो चमड़ी निकलती है, उन चमड़ियों से जो छाल से वो क्या करते थे, अपने वस्त्र बना लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे कपड़ों की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको ये नहीं पता था, इसलिए वो क्या करते थे, पत्तों से ही अपने छाल पत्तों से अपना वस्त्र बनाते थे। पहनने के लिए जो भी चीज लगती थी वो बना लेते थे। आदि मानव का भोजन एक जगह पे नहीं मिलता था, इसलिए वो क्या करते थे, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे वो एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। किस लिए, खाने की तलाश में। वे क्या करते थे, गुफाओं और चट्टानों में आश्रय लेते थे, मतलब गुफाओं और चट्टानों के बीच में वो रहते थे। आदि मानव के जो औजार बनाते थे वो क्या होते थे, एक नुकीले पत्थरों से बनते थे। उनकी जो औजार थे, जैसे आज क्या है कि आज जो औजार मिलते हैं वो औजार पहले नहीं थे, इसलिए वो खुद पत्थरों से अपना औजार तैयार करते थे और वो इतना नुकीला रहता था कि एक ही वार से कोई भी जानवर घायल हो जाता था। उस युग में पत्थरों का ज्यादा प्रयोग होता था, उस युग में क्या होता था, पत्थरों का ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पाषाण युग बोलते हैं। उस युग को क्या बोलते हैं, पाषाण युग। तो इसलिए उस टाइम पे आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार कैसा हुआ, जब दोनों जैसे एक आदि मानव दूसरा आदि मानव दोनों लड़ाई करते थे या कुछ इस तरह से काम करते थे, जो उसके लड़ाई के वजह से एक पत्थर दूसरे पत्थर पे क्या हुआ, टकराया। उस टकराने से क्या हुआ, आग निकल गई, आग निकली। तो आग से क्या हुआ कि आदि मानव को ये समझ में नहीं आया कि ये आग निकली कहाँ से, तो उन्होंने उसका प्रयोग करना चालू करा, एक पत्थर और दूसरे पत्थरों को रगड़ने लगे। रगड़ से उससे क्या हुआ कि आग निकली, आग निकली, तो वो आग इस तरह से उस आग का आविष्कार हुआ। तो उस आग के आविष्कार से उनको क्या हुआ, मानव ने प्रकाश, यानी आग के आविष्कार से मानव ने प्रकाश का आविष्कार हो गया। और जब ये लोग आदि मानव क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, तो अचानक उनको क्या हुआ कि एक जगह पे जब आग लगी थी तो वहां पर एक जानवर मर गया। तो वो जानवर जब उनको भूख लगी तो वो सिखा हुआ जो मांस था, जो जानवर का मांस था, वो मांस को उसने खा के देखा तो उनको क्या लगा, बड़ा स्वाद आने लगा। तो उन्होंने उस पके हुए जानवर का मांस खाकर उनको अच्छा लगा, तो वो जब से क्या करते थे, आग जलाकर एक तरीके से उसको जानवर को सेक कर खाना, भून कर खाना उनका काम का होने लगा, इससे उनको अच्छा लगने लगा। तो अपनी रक्षा करने के लिए भी आग का प्रयोग करने लगा, क्योंकि जानवरों को मारते तो थे आदि मानव, लेकिन जानवर भी तो कभी कभी आदि मानव को मार सकते हैं, इसलिए वो अपनी रक्षा करने के लिए आग का भी उपयोग करने लगे। जिससे क्या हुआ कि जानवर आग से डरते थे तो आदि मानव की भी रक्षा हुई, उनको मांस खाना मतलब किस तरह से भोजन पका हुआ खाने को मिला, उसका
उसका भी उनको पता चल गया और जिस तरह से आग का आविष्कार हुआ तो ये दो तीन प्रकार की चीजें उनको मालूम हो गई। उस टाइम भी पाषाण युग था। पाषाण युग क्यों बोलते हैं आपको अभी बताया था मैंने कि उस टाइम पे पत्थरों का ज्यादा प्रयोग होता था इसलिए उसको क्या बोलते हैं पाषाण युग। तो पाषाण युग क्या है 6000 वर्ष पूर्व तक चला। इस युग को उन्होंने पाषाण युग के साथ में उत्तर पाषाण युग भी कहा जाता है। तो बच्चों आज अपन ने आदि मानव की कुछ जानकारी मिली आपको और इस जानकारी के वजह से आप पूरे पाठ में पढ़ोगे तो इसी जानकारी से आपको पूरे पाठ में समझ में भी आ जाएगा। तो बच्चों आज का पाठ यही था। अपन इसके प्रश्न उत्तर आगे वाले वीडियो में देखेंगे। बाय बच्चों।